राम राम किसान भाइयों, ये देख लीजिए जॉन डियर की तरफ से आने वाला न्यूली लॉन्च ट्रैक्टर जॉन डियर 5050D गियर प्रो सीरीज वाला ट्रैक्टर। 5050D को भी अब कंपनी ने गियर प्रो कर दिया है। आज के हम इस वीडियो में इस ट्रैक्टर में कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए हैं वो सारे देखने वाले हैं। कंपनी ने इसमें नए फीचर्स क्या ऐड ऑन किए हैं, इसके लुक, इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए ट्रैक्टर का कुछ फ्रंट से लुक है। यहाँ पर आपको हेडलाइट वह जॉन डियर का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो शो है सिंगल पीस बोनट मिलता है इसका, सेफ्टी लॉक के साथ में जो आता है। फ्रंट एक्सल की बात करें तो काफ़ी हेवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिल जाता है। वहीं फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो 7/50/16 का आपको इसमें काफ़ी हेवी फ्रंट टायर मिल जाता है। वहीं बैक टायर की अगर बात करें तो कंपनी ने बदलाव किया है। कंपनी अब इसमें 14/28 और 16/28 के साथ साथ अब 15/28 का भी टायर साइज़ आपको दे रही है। ये देख लीजिए यहाँ पर 15/28 का भी टायर साइज़ आपको आप में इसमें मिल जाता है। और रिम साइज़ की अगर बात करूँ तो देख लीजिए आप रिम एक बार, रिम साइज़ भी आपको मैं बता देता हूँ। काफ़ी किसान भाइयों का रहता है, ये देख लीजिए, नहीं दिख रही होगी सही से मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगा, ये देख लीजिए। वहीं अब हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 3 सिलेंडर आपको इसमें इंजन मिलता है 2900 CC का, जो कि 50 HP का इंजन है। अपनी मैक्स पावर जो है यह ट्रैक्टर वह 2100 RPM पर अपनी मैक्स पावर जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है ये। आइए हम इसके प्लेटफॉर्म वगैरह की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए पायदान वह कुछ इस टाइप का आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ पर बम्प मिलता है, यहाँ पर आपको हीट के लिए मिलता है ताकि किसान के पैर वो इंजन की हीट से ना जले। यहाँ पर आपको वाटर सेपरेटर भी मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर में पहले 2 आते थे अपने डीजल फिल्टर, वो भी अब सिंगल कर दिया गया है। यहाँ पर हीट गार्ड देख लीजिए आप, कुछ इस स्टाइल में आपको इसके हीट गार्ड मिल जाते हैं। आइए अब हम इसके क्लच वगैरह कंसोल मीटर वगैरह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नई स्टाइल की कुछ इस टाइप की आपको स्टीयरिंग मिल जाती है। यहाँ पर देख लीजिए आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्यूल इंडिकेशन, RPM और हीट वगैरह और चोकिंग सेंसर के साथ में आता है इसका एयर फिल्टर, तो उसका आपको यहाँ पर इंडिकेशन वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ पर 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, हैंड रेस का लीवर मिल जाता है आपको, यहाँ पर फ्रंट हेडलाइट के स्विचेस, हॉर्न का स्विच और यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का मिल जाता है। यहाँ पर आपको चाबी लगाने के लिए, यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए आपको स्विच मिल जाता है। और इसका जो इंजन स्टॉप लीवर है उसकी पोजिशन कुछ यहाँ पर दी गई है, जो कि सेफ्टी लॉक के साथ में आता है, देख लीजिए, ताकि बच्चे वगैरह रहें तो वह डायरेक्ट स्टार्ट ना हो ट्रैक्टर, देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है काफ़ी शानदार, देख लीजिए। ये कुछ ट्रैक्टर का ऊपर से लुक है। साइलेंसर की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार आवाज़ आती है ट्रैक्टर की, जॉन डियर की काफ़ी शानदार आवाज़ है। आइए हम इसके क्लच की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें डबल क्लच मिल जाता है, ये देख लीजिए अपने गियर वगैरह के लिए। और ये अपने इंडिपेंडेंट वीडियो के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है लीवर, देख लीजिए। ब्रेक की अगर बात करें तो ऑयल इमर्ज्ड मल्टी डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको इस ट्रैक्टर में, काफ़ी शानदार बात है। जो यहाँ पर आपको रेस की पोजीशन कुछ यहाँ पर मिलती है, काफ़ी अच्छी जगह पोजीशन दी गई है कंपनी द्वारा। और ऑयल इमर्ज्ड मल्टी डिस्क ब्रेक के मतलब कि बहुत ही लंबे समय तक आपके ब्रेक चलने वाले हैं, कोई भी आपको समस्या वगैरह नहीं होगी। गियरबॉक्स की अगर बात करें जो कंपनी ने मेन बदलाव किया है उनकी, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको ABC और रिवर्स का लीवर यहाँ पर मिल जाता है, देख लीजिए पास से बता दें, एक बार फोकस हो जा, फोकस नहीं कर रहा मोबाइल, एक मिनट में फोकस करके बताता हूँ आपको, ये देख लीजिए। और यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 का आपको यहाँ पर लीवर मिल जाता है। गियर प्रो सीरीज का ट्रैक्टर कर दिया, मतलब कि 4, 3, 12 और 3 ईयर 4 ईयर, मतलब आपको कुल मिला के टोटल आपको गियर इसमें मिलते हैं 16 गियर आपको मिल जाते हैं, 12 फॉरवर्ड वहीं 4 रिवर्स मिल जाते हैं। लिफ्टिंग कंट्रोल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपको DCO PC लीवर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको लिफ्टोमेटिक का बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने दे दिए हैं, तो डबल डिस्ट्रीब्यूटर का आपको यहाँ पर लीवर अपने ट्रॉली वगैरह प्लो वगैरह के लिए यहाँ पर ये मिल जाता है, देख लीजिए। एक बार अपने आप लीवर सेट कर दीजिए, उसके बाद अपने बटन से ही इसको करते रहिए, ऊपर नीचे आपको जो करना है
आइए अब हम इसके फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, सेफ्टी लॉक के साथ में आता है, देख लीजिए। फ्यूल टैंक 68 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि फाइबर की बॉडी के साथ में आता है, काफ़ी शानदार बात है। और कंपनी इसको आगे इंजन की हीट से दूर रखने के लिए इसको सीट के पीछे ही देती है, तो काफ़ी शानदार बात है। जो बोनट देख लीजिए, आपको बोनट कुछ इसी स्टाइल में मिलते हैं। यहाँ पर वहीं पीटीओ की अगर हम बात करें अब, तो ये देख लीजिए आपको 540 और 540 इकोनॉमी के साथ में इसका पीटीओ मिल जाता है, काफ़ी शानदार बात है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको 1800 केजी की इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। वहीं 3 पॉइंट सेंसिंग आपको इसमें लिंकेज मिलता है, आप अपनी ज़मीन के हिसाब से कठोर नरम के हिसाब से इसको सेट करके चला सकते हैं। यहाँ पर आपका डबल डिस्ट्रीब्यूटर के देख लीजिए, दोनों आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बैक एक्सल की बात करें तो काफ़ी हेवी ड्यूटी आपको इसमें बैक एक्सल मिलता है, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको इंडिकेटर, बैक हेडलाइट देखने को मिल जाती है, ये देख लीजिए। काफ़ी ही शानदार ट्रैक्टर होने वाला है, अपने 50 HP सेगमेंट में किसानों को काफ़ी पसंद किए जाने वाला ट्रैक्टर भी रहा है ये अभी तक का। जॉनडियर का काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्टर है जॉनडियर का ये। अगर आपको इस ट्रैक्टर की 4x4 की वीडियो देखनी है तो वो भी हमारे YouTube चैनल MP11 फार्मिंग पर अपलोड हो चुकी है, तो वहाँ पर अब भी आप इसकी वीडियो जो 4x4 मॉडल है उसकी देख सकते हैं गियर प्रो में। उसमें हमने आपको इसमें बताया क्या क्या उसमें आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मेट वगैरह मिल जाती है, बहुत सारे 2-3 आपको एडिशनल फीचर मिलते हैं उसमें 4x4 में। अगर आप 2-व्हील ड्राइव में भी लेना चाहें तो आप डीलर से बात कर सकते हैं और अपने इस मॉडल में भी वो सारे फीचर्स ले सकते हैं, देख लीजिए। काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है, अगर किसान भाई अपने लिए 50 HP का कोई सा ट्रैक्टर देख रहा है